गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुका हूँ एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए और नए दिन की शुरुआत जैसा कि नए ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं हूँ सेक्टर 107 में और आज दरअसल क्या हुआ, मेरे पास राइड आ गई सेक्टर 5 से झटिकरा गांव की। और झटिकरा गांव देखो कहाँ पड़ता है, ये मेरी उंगली जा रही है, यहाँ से सीधे चले जाओगे तो तकरीबन 7 किलोमीटर दूर पड़ता है ये गाँव झटिकरा, मतलब गुड़गांव की सरहद से दूर, और ये पड़ता है दिल्ली में। तो राइड मेरी आ गई वहाँ की, फिर मेरे को उसे लेके जाना पड़ा। टाइम अभी हो चुका है 9:45 के आसपास और अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 107 में, वहाँ से मैं आ चुका हूँ। और ये देखो सेक्टर 107 जो है बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम ग्रीनरी मेंटेन, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं। इधर ये सामने जो सोसाइटी है वो भी ऑलमोस्ट खाली पड़ी है और इधर भी है एक सोसाइटी। तो ऐसा हुआ मॉर्निंग में। और अभी मैं यहाँ से ऑफिस निकलूँगा, ऑफिस जाने के लिए मेरे को तकरीबन करना पड़ेगा एक राइड का वेट। राइड देखते हैं कब तक आती है, वो एक राइड बजी तो और हरिद्वार का एक्सप्रेस नहीं, ये नहीं जाऊँगा, ये बजी है वापस से फिर दिल्ली की तरफ नहीं जाना है, मुझे जाना है सेक्टर 18 की तरफ। तो 18 की कोई राइड आएगी उसको लेके चलेंगे और नहीं आई तो नहीं चलेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम बचा नहीं है। मेरे को पहुंचना रहता है 10:45 जो है ऑफिस, और अभी जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 10:01 हो रही है, सॉरी अभी 10:01 हो रही है। तो मेरे पास 45 मिनट का टाइम है, अगर दिल्ली लेके जाऊंगा तो फिर वहाँ से वापस आने में मेरे को जो लग जाएगा टाइम, और टाइम की वजह से जो है फिर ऑफिस वालों की 4 बात सुननी पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं करते। ऑफिस पहुँचेंगे टाइम से, राइड लेंगे सिर्फ सेक्टर 18 की। फाइनली अपना मेडिसिन रूट लेके आ चुका हूँ मैं फोन में, और अभी मैं हूँ सेक्टर 37 में फेज 4 में, और यहाँ पे मैं आया हुआ पैकेट देने के लिए। लेकिन देखो इंडस्ट्रियल एरिया को भी कैसे बाहर से बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया हुआ। ये गार्ड साहब का रूम है, यहाँ इतना बड़ा गमला टाइप का पेड़ लगाया हुआ है, और ये देखो आहा लाइट के लिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मेरा जो ये रूट हो चुका है ख़त्म, और यहाँ से मैं चल रहा हूँ सीधे अब अपने ऑफिस के लिए सेकंड रूट लेने। तो फाइनली आज का सेकंड रूट ख़त्म करके मैं आ चुका हूँ नरेश भाई के पास में। दरअसल हुआ क्या कि एक पैकेट जो है ना COD आ गया, और कस्टमर ने दे दिया COD, ऑनलाइन भी नहीं किया, तो वो कैश मैंने ले लिया। और मैं अब ऑफिस जा नहीं रहा, लड़का मेरा पैकेट लेके आएगा तो मुझे कैश जमा कराना रहेगा, इसलिए मैंने नरेश भाई को किया फोन, नरेश भाई ने दिया मुझे ऑनलाइन, मैं उनको कैश देने के लिए आ गया यहाँ। और यहाँ मेरा हो रहा है स्कूटर चार्ज, ये नरेश भाई का स्कूटर है। तो फाइनली आज इवनिंग का रूट खत्म करके मैं पहुंच चुका हूँ सेक्टर 102 अंडरपास। आज जो है रूट में बहुत ज्यादा भसड़ हुई है, ये कह सकते हैं सारे दिन में ही बहुत ज्यादा भसड़ हुई। मॉर्निंग का पहला रूट तो ठीक ठाक निपट गया, लेकिन दो कस्टमर ने परेशान किया, एक तो जो कोर्ट में बैठता है उसने, और एक सेक्टर 37 वाली वही अंजलि गुप्ता। ए अंजलि गुप्ता मत परेशान कर ऐसे, बहुत दूर से आता हूँ मेडिसिन डिलीवरी के देने। तो ये दूसरे पहले रूट में इन्होंने परेशान किया, दूसरा रूट लेने गया ऑफिस पहुँचा। ऑफिस पहुँचने के बाद क्या हुआ, रूट मेरे को मिला 5:10 के आसपास, 4 पैकेट मिले, चारों एक्सप्रेस मिल गए, चारों का टाइम था 7 बजे से पहले डिलीवर होना चाहिए। मैं 7 बजे से पहले डिलीवर कर दिया, तो अनुराग भाई ने बोला कि मैं तुम्हारे जो पैकेट, एक लड़का है रवि ऑफिस में, उसके हाथ भिजवा दूंगा। मैं बोला ठीक है। तो लास्ट पैकेट में सरस्वती इनक्लेव में डिलीवर किया, और सरस्वती इनक्लेव से ऑफिस है तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर। टाइम हो चुका था तकरीबन 7:05 या 10 बची थी, तब मैंने वो रूट कंप्लीट किया। फिर मेरे स्कूटर में बैटरी कम थी, उस रूट को कंप्लीट करने के चक्कर में ना पहले मैंने क्या किया कि एक ऑर्डर था जिसमें COD आई हुई थी, COD को मैं नरेश भाई को फोन किया, मतलब नरेश भाई ऑनलाइन पेमेंट चाहिए, और ये जो है इसमें कस्टमर ने कैश दिया है, तो नरेश भाई ने मेरे को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद मैं कंपनी को भर दिया, कैश अपने पास रख लिया, तो मैं नरेश भाई के पास चला गया, क्योंकि जहां रवि मेरे को पैकेट देता वो नरेश भाई के ऑफिस के पास में, वहां जाके नरेश भाई को मैंने पैसे दिए और अपना स्कूटर को लगा दिया चार्जिंग पे। ये रहा स्कूटर जो कि अभी यहाँ खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में तकरीबन 7:45 मैं इंतजार कर रहा था रवि का फोन आएगा आएगा आएगा, रवि का नहीं फोन आया, अनुराग भाई का। अनुराग भाई बोले रवि तो ऐसे ऐसे 7 बजे पैकेट लेके निकल गया और ऑफिस में कोई है भी नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। मैं बोला चलो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं, जाते हैं। ऑफिस गया,
पहुंचा 8:15 बजे, वहां से अपने चारों पैकेट लिए और उसके बाद मैं निकला 8:30 बजे। 8:30 बजे निकला, कस्टमर को जो है संजय ग्राम में 2 पैकेट दिए, उसके बाद निकला हीबो अपार्टमेंट सेक्टर 15। वहां पे जब मैं पैकेट को स्कैन कर रहा था तभी मेरे को लग रहा था ये कस्टमर है ना परेशान करता है, कहीं आज भी परेशान ना करे, लेकिन मैंने सोचा चलो जो होगा देख लेंगे। मैं संजय ग्राम में डिलीवर करने के बाद उसे कॉल नहीं किया क्योंकि एक बार तो जाना ही रहता, कंपनी का पॉलिसी ऐसे है उसके पास में नॉक करने जाना है, रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए। गया, 3 बार कॉल किया, 2 बार घंटी बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं, वहां से वापस आ गया। फिर उसके बाद में हरिनगर में पैकेट दिया, वहीं पे एक मेडिकल वाला है, उससे बात की, काफ़ी पुरानी जानकारी है ये यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड, उसको भी एक चैनल बनाना है अपने बच्चों के लिए। तो ये सारा रूट ख़त्म करके फिर मैं मंडी गया, मंडी से मैंने 2-3 चीज़ें ली, हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज, बहुत महंगा हो रहा है लेकिन इतना महंगा नहीं है कि ना ले सकें, तो वो मैं लेके स्कूटर की डिक्की में यहाँ रख दिया है। और उसके बाद मैं आ चुका यहाँ सेक्टर 102 अंडरपास पहुँच चुका हूँ। 10:30 बज रहे हैं, घर पहुँचने में लग जाएगा 20 से 22 मिनट। और ये खड़ा हुआ है स्कूटर, इसमें देखो एक प्रॉब्लम कह सकते हैं या फीचर्स कह सकते हैं, अगर चलते हुए मैं स्टैंड खोल दो ना तो ये ऑन ही रहेगा ऐसे, अगर आप डिलीवरी विलीवरी कर रहे हो और स्कूटी के पास ही खड़े रहते हो तो आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हो। तो अब मैं इसको थ्रॉटल करूँगा ना तो देखो ये भागेगा, तो कोई नहीं अब चलते हैं सीधे घर। घर पहुँचने में खाली पड़ा हुआ, सन्नाटा बिल्कुल, देखो चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देगा, कोई कोई गाड़ी निकल रही है बस, और मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, बस ये एक है प्रजाति। तो फाइनली आज जैसा कि लेट निकला था घर से भी और पहुंचा भी हूँ लेट, 11 बज चुके हैं और अभी हो गया हूँ एकदम तैयार, भूख लगी है जोर से खाने में, देखते हैं क्या ये है खाने में, पनीर और ये खीर, रोटी, मिर्ची, क्या खाएगा चीते, ए गिर जाएगी, हे पीछे हो, फटाफट से खाते हैं खाना। और आज के ब्लॉग वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया लेट, तो मुझे वीडियो भी एडिटिंग अपलोड भी करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।